एनसीसी के विंग कमांडर आज रीवा पहुंच रीवा के 3MP बटालियन कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण के जहां पर एनसीसी कैडेटों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही विंग कमांडर SS वत्सी द्वारा अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर कैडेटों से जानकारी ली एवं चर्चा के दौरान रीवा यूनिट के कमान अधिकारी कर्नल अनुराग महारा द्वारा साल भर में एनसीसी द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी गई एवं आने वाली समस्याओं से भी अवगत कराया गया। इस दौरान ग्रुप विंग कमांडर SS वक्सी ने पत्रकारों से चर्चा कर कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे रीवा आने का अवसर मिला। साथ ही यह भी कहा कि रीवा की 3MP बटालियन NCC की प्रदेश की सबसे पुरानी बटालियन है जिसमें कि रीवा सीधी सतना एवं सिंगरौली के 4010 कैडेट हैं। प्रस्तुत है एक झलकी एवं विंग कमांडर SS वक्सी से जानकारी के अनुसार। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज रीवा NCC की यूनिट्स का इंस्पेक्शन करने आया हूँ। मेरा पहला विजिट है ये और मुझे बहुत खुशी है कि रीवा जो कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा एरिया है हमारा, और ये जो 3MP बटालियन में मैं आया हुआ हूँ इसके अंडर 4 डिस्ट्रिक्ट सिद्धी, संगरौली, सतना, रीवा, इसमें 4110 कैडेट्स 53 स्कूल्स और कॉलेजेस कवर करते हुए ये NCC बटालियन अपना काम बहुत खूबी से कर रही है। और आप लोगों को ये जान के भी खुशी होगी कि ये वाली जो बटालियन है ये मध्य प्रदेश की और हो सकता है पूरे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी रेज्ड NCC बटालियन है। 1949 की ये रेज बटालियन है। मेरे हिसाब से यह शायद पूरी कंट्री की ओल्डेस्ट बटालियन होगी, सबसे पुरानी बटालियन होगी। और यहाँ के मैं जो कैडेट्स का उत्साह देखा है मैंने ट्रेनिंग एक्टिविटी में, एनरोलमेंट में और कैंप्स में, उससे बहुत खुश हूँ और आशा करता हूँ कि बाकी और जो कॉलेजेस हैं जिनमें NCC नहीं है वो भी अपना प्रस्ताव लाएं और कम से कम हम उनको वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे या फिर वो अगर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम से NCC शुरू कराना चाहते हैं उसको हम किसी भी समय इस चीज़ को शुरू करा सकते हैं। और मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि NCC को बढ़ावा दें, इसको सपोर्ट करें और ख़ासकर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की रीवा की और मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट, उनसे दरख्वास्त है कि NCC को पूरा सपोर्ट दें जिस भी तरह से कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ का स्टाफ की पोस्टिंग है या यहाँ के फंड्स हैं या यहाँ की जो PWD की सपोर्ट है, अपना सहयोग देंगे तो हम ये ट्रेनिंग जो NCC कैडेट्स की, जो कि फ्यूचर है हमारा देश का, ये बच्चे जो हैं ये फ्यूचर हैं, अगले 10 साल में इन्होंने ही लीडर बनना है, आगे जाके इनका बेस अच्छा बनेगा, इनकी परवरिश अच्छी होगी और ये दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि NCC में आकर अपना योगदान करें। सर, देश में फैली कोरोना महामारी के दौरान पुलिस और डॉक्टर ने अहम भूमिका निभाई थी, इसमें NCC विंग का क्या रोल था? NCC विंग का ये योगदान है कि ये तो बीमारी पूरे देश में है और इससे हम सभी लोग जूझ रहे हैं अभी, और कोई इसका भी फिलहाल अंत बहुत जल्द शीघ्र अंत तो नहीं नज़र आता है। लेकिन जहाँ तक NCC का सवाल है, रीवा में भी और बाकी मेरे जो बाकी ग्रुप हैं यहाँ पर सागर में, छतरपुर में, कटनी में, इन सब में हमने कम से कम 3 या 4 बार अलग अलग अभियान किए हैं कोरोना से बचाव करना, कोरोना के ऊपर अवेयरनेस कैसी होनी चाहिए और कैसी सोसाइटी में हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और अपने आप को बचाव रखना है, यही एक तरीका है कोरोना का, और इसके अलावा कोरोना का कोई इलाज नहीं है।